हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू W3HTML स्कूल। आज मैं आपको PHP ट्यूटोरियल में PHP क्या है और क्या क्या हम सीखेंगे देखते हैं। PHP क्या है? PHP इज हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, इज अ जनरल पर्पस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ओरिजिनली डिजाइन फॉर वेब डेवलपमेंट टू मेक डायनेमिक वेब पेजेस। कहने का मतलब है कि HTML का पेज स्टैटिक पेज कहलाता है, जिसपे अगर मुझे पेज में हेलो लिखना और हेलो के बाद हेलो वेलकम लिखना है तो मुझे जाकर कोड में ही मॉडिफाई करना पड़ेगा। डायनेमिक पेजेस का फर्क ये होता है कि पेजेस या सिंटैक्सेस या कोड वैसा ही लिखा रह जाता है, हम सीधा डेटाबेस में जाकर मॉडिफिकेशन करते हैं जिसके लिए एक पैनल बना होता है। तो ये बड़ा एडवांस वर्जन की मैं बात कर रही हूँ, ये हम बाद में सीखेंगे। बट डायनेमिक पेज का मतलब होता है कि डायनेमिकली पेजेस में चेंजेस, किसी भी पेज में अगर मेरे 50 पेज की वेबसाइट है और किसी भी पेज में मैं चेंजेस करना चाहती हूँ तो वो चेंजेस इतने इजी होने चाहिए कि मुझे कोड में मॉडिफिकेशन ना करनी पड़े। सो ये पेजेस, उसको हम डायनेमिक भी कहते हैं। PHP इज पावरफुल टूल फॉर मेकिंग अ डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस, जो मैंने आपसे बात कर ली। PHP इज अ ओपन सोर्स कोड, फ्री टू डाउनलोड, मतलब मुझे इसके लिए लाइसेंस लेने की लोड नहीं है। इसके सॉफ्टवेयर के लिए मैं कहीं से भी इसको डाउनलोड, मतलब PHP की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कीजिए और इसको बिना किसी हिचकिचाहट के आप अपने सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसीलिए आज की डेट में ये बहुत पॉपुलर है और पहले भी थी। सो वॉट आर द प्री रिक्विजिट्स टू लर्न PHP? अब क्वेश्चन ये है कि आज मेरी पहली क्लास है लेट्स से जिसमें मैं PHP सीख रही हूँ, तो मुझे PHP से पहले क्या आना चाहिए? तो बेसिक नॉलेज की बात कर रहे हैं। बहुत मैं हाई फाई नहीं कह रही कि HTML में आप मास्टर हो, थोड़ी बहुत HTML हो और JavaScript अगर आती है तो ठीक है, अगर नहीं भी आती तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारी प्री रिक्वायरमेंट होती है कभी भी जब भी हम PHP सीखने के लिए जाते हैं। Why use PHP for developing websites? ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हम वेबसाइट सिर्फ PHP क्यों ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये बहुत ईजी है लर्न करनी। अगर आप HTML जानते हैं तो HTML और PHP में तो काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती आपको नज़र आएंगी, या C या C++ अगर आपको आती है तो वो भी इसमें थोड़ा आपको वैसे फंक्शंस नज़र आएंगे। PHP रन ऑन मैनी प्लेटफॉर्म जैसे विंडो, लाइनक्स और ऐसे बड़े सारे और ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर PHP आप चला सकते हैं। मैनी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल दैट कैन बी यूज फॉर और मॉडिफाई। कहने का मतलब है कि PHP इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि लोगों ने इतना PHP का कोड या आपको प्रोजेक्ट्स नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप थोड़ी सी चेंजेस करोगे और अपने कोड, उस कोड को अपने अकॉर्डिंगली अपने प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हैं। तो कोड या आप कह सकते हो कोई छोटा सा कोई प्रॉब्लम अड़ी हुई है जिसको आप आंसर चाहते हो, तो बड़ी सारी हेल्प हैं, हेल्प फोरम्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके कोड के लिए। इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं, तो PHP दिखती कैसे है या स्टार्ट कैसे करते हैं? तो बड़ा क्लियर है, PHP हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। सर्वर का मतलब क्या होता है? सर्वर मतलब सर्व्स, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग मतलब सर्वर से यूजर को ये सर्व करेगी। मतलब कहने का कि ऐसा कोड जो सर्वर पे पड़ा होएगा और क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कि ये फॉर एग्जाम्पल हेलो प्रिंट करो, तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझ के क्लाइंट को वो इन्फॉर्मेशन देगा। और इसमें हमें क्या चाहिए होता है? इंस्टॉल MySQL, इंस्टॉल वेब सर्वर। तो बड़ा क्लियर है, अगर मैं PHP रन करूंगी तो मैं अपने क्लाइंट, मेरे अपने कंप्यूटर विंडो पे मैं एक HTML के फाइल के अंदर PHP डालकर उसको रन करूंगी तो वो कोड रन नहीं होगा। उसके लिए मुझे वेब सर्वर चाहिए, और उसके लिए MySQL अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड PHP का सॉफ्टवेयर चाहिए। ये हमारी प्री रिक्विजिट्स है एक छोटी से प्रोग्राम को लिखने के लिए। ठीक है जी, अब इसको रन करने के लिए हम चलते हैं अपने इस एडिटर में जहाँ पर हम PHP का एक छोटा सा कोड लिखेंगे। जैसे PHP शुरू करने के लिए हम हमेशा इस तरह से स्टार्ट करते हैं और PHP को हम इस तरह बंद करते हैं। अब इसके अंदर मुझे सारे PHP का कोड लिखना है, तो मैंने लिखा इको हम प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। जैसे नॉर्मल लैंग्वेजेस में डिफरेंट सिंटैक्सेस होते हैं, तो इको इज टू डिस्प्ले। ये कोड है जो मैंने लिखा है, अभी इसकी और जानकारी के ऊपर हम बात करेंगे। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाना की कोशिश कर रही हूँ कि PHP दिखेगा कैसे चलता हुआ। अब मैंने इसको सेव कर रही हूँ, मैं इसको
सो सेव करने की भी एक लोकेशन है जहां पर आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए मुझे नॉर्मल पर्टिकुलर अपनी एक सी डायरेक्टरी में नहीं जाना है। जब मैं वेब सर्वर इंस्टॉल करती हूँ तो मेरे कंप्यूटर में सी के अंदर जहाँ पर भी विंडोज पड़ा है, जहाँ पर आप वैम सर्वर इंस्टॉल करोगे, अब वैम सर्वर क्या होता है ये भी हम बात करते हैं, इसके अंदर www डायरेक्टरी मिलेगी। इसके अंदर आप अपने नाम का कोई भी फोल्डर बना दीजिए या सीधे आप फाइल को सेव कर दीजिए। जैसे कि फाइल को सेव करते हुए hello.php लिख दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, मैंने एक एग्जांपल दिया तो इसलिए मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको रन करने के लिए मुझे वापस ब्राउजर पे जाना पड़ेगा। ब्राउजर पे ये मेरी एप्लीकेशन रन होगी, तो मैं ब्राउजर पे जाती हूँ। ठीक है जी, मैं आ गई यहाँ पे और यहाँ पर आकर मैंने लिखा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट जो मेरा मेरे कंप्यूटर पे वेब सर्वर का रेफरेंस, इसको मैंने एंटर किया। आपको ये ऐसे नजर आएगा, यहाँ पर जाकर अभी जो मैंने फाइल का नाम लिखा था वो था हेलो, क्योंकि मैंने डायरेक्टरी नहीं बनाई थी तो इसलिए मैं ऐसे सेव करूंगी, और मैंने इसको एंटर प्रेस किया। तो ये देखिए एक प्रोग्राम चलता हुआ आपके सामने है। अब यही चीज अगर मैं आपको HTML में करके दिखाऊं तो वो कैसे चलेगा, ये देखिए। अगर यही प्रोग्राम मैं सिंपल एक फाइल यहाँ बना लेती हूँ और यही पर सेव करा रही हूँ आपकी रेफरेंस के लिए कि वो चले होगा क्या उसके साथ, इस फाइल में सेम कोड मैं कॉपी कर देती हूँ। इस कोड को मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। सो ब्राउजर का क्या रोल है, वेब सर्वर का क्या रोल है, अभी आपको नजर आएगा। इसको मैंने डबल क्लिक किया तो चाहे इसको मैं ब्राउजर में ओपन करती हूँ, ये तो डबल क्लिक एडिट के हो रही है, तो इसको मैं ब्राउजर में ओपन करती हूँ। ये लीजिए, इसको मैं ब्राउजर में ओपन कर रही हूँ, तो एज इट इज सिंटैक्स नजर आ रहा है सिंपल। सो व्हाट ब्राउजर इज डूइंग और एग्जैक्टली अभी हुआ क्या, हो क्या रहा है, हमारा सर्वर, वो वेब सर्वर जिसको मैं बोल रही हूँ, वो लोकल होस्ट से रिप्रेजेंट हो रहा है और उसके अंदर फाइल पड़ी है और वो फाइल PHP की कोडिंग को आपके तक ऐसे पहुंचा रही है। अब ये वैम सर्वर क्या होता है, हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, PHP कैसे इंस्टॉल करेंगे और क्या कहते हैं MySQL कैसे इंस्टॉल करेंगे, इन सब के लिए मैंने वैसे तो ऑलरेडी एक वीडियो इसमें बनाई हुई है, बट नेक्स्ट सेशन में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। थैंक्स अ लॉट।